गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज डॉक्टर मनोज बंधुआर। और फ्रेंड, आज हम एक प्री मैच्योर इजेकुलेशन का एक केस डिस्कस करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग केस है। ये ऑनलाइन केस देखा था मैंने और ये भी एक डॉक्टर हैं और थेरेपेटिक बेस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इन्होंने थेरेपेटिक के आधार पे जो मेडिसिन हमारी जो आती है, यूहिम विनम, जितनी भी जो थेरेपेटिक में एसिड फॉस वगैरह सारी मेडिसिन उन्होंने ली कि प्री मैच्योर इजेकुलेशन के लिए, तो बट इनको कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो इन्होंने मुझे ऑनलाइन कंसल्ट किया, वो बताया कि इनको अर्ली इजेकुलेशन का प्रॉब्लम है और इनकी एज अराउंड 45 to 50, 48 के आसपास है, मतलब अराउंड 50 के आसपास है ये, और इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ़ हो रहा है आपको। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे है ना अभी साल डेढ़ साल दो साल से दो एक साल से मुझे ये अर्ली डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि आपको जल्दी डिस्चार्ज होता है? तो बोले कि सर पहले टाइमिंग अच्छा था बट अभी कुछ ही टाइम में मुझे डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैंने कहा कि फिर? बोले ना सर वो जल्दी होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अच्छा नहीं लगता है मतलब? तो बोला कि ना सर वो अर्ली हो जाता तो सर अच्छा नहीं लगता सर, अंदर थोड़ा सा ना एक झेप सी लगती कि यार ये क्या है मतलब। तो मैंने कहा कि और? बोले कि हाँ सर थोड़ा सा। तो मैंने कहा इसमें आपकी पत्नी कुछ बोलती है क्या? बोले नहीं सर बोलती तो वो कुछ नहीं, उसने अभी तक मुझे कभी कोई शिकायत नहीं की है। तो वही बोले कि उन्होंने उसने कभी कुछ बोला नहीं मेरे को कि भाई आप में कुछ प्रॉब्लम है या आप ट्रीटमेंट कराओ कुछ ऐसा, उसने कभी कोई रिएक्ट ही नहीं किया। बट मुझे अच्छा नहीं लगता सर, मैं मतलब अपने आप को संतुष्ट फील नहीं करता हूँ, मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे मतलब एक अंदर से ना सर संतुष्टि का भाव नहीं आता है। तो मैंने कहा कि आपकी पत्नी ने कोई शिकायत नहीं की फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तो बोले कि सर देखो वो भी एक लेडीज है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन की कि देखो सर वो भी एक लेडीज है, उसकी भी बहुत इच्छाएँ होती होंगी, उसकी बहुत डिज़ायर होंगी। तो और मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे तो पता है ना सर कि सारा सब ऑर्गाज्म वगैरह सब होना चाहिए। तो सर वो मेरे से ये सब उम्मीद लगा के बैठी होगी, बट जब वो मैं उसकी वो उम्मीद नहीं पूरी कर पा रहा हूँ तो मुझे लगेगा ना सर आपको मुझसे अगर किसी ने उम्मीद रखी है और मैं उसकी उम्मीद पूरी नहीं कर पाऊँगा तो सर टेंशन तो होगा ना सर। तो यही चिंता लगी रहती है कि सर मैं उसकी वो जो मुझसे उम्मीद लगा के बैठी है कि मैं उसको सेटिस्फाई करूँगा और वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अंदर चिंता होती है इस चीज़ को लेकर। मैं क्या करते हैं फिर आप? मैंने कहा कि आप कुछ टैबलेट वगैरह क्या करते हैं क्या इसके लिए, मतलब आप दो साल से हो रहा आपको प्रॉब्लम, तो क्या निकाला आपने सॉल्यूशन इसके लिए? तो वो बोले कि सर मैं सेकेंड टाइम करता हूँ और सेकेंड टाइम में फिर मैं टाइम कर लेता हूँ अच्छा सा। तो अच्छा तो मैं कि हर बार? बोले हाँ सर हर बार। तो मैंने कहा कि एक इस जगह मुझे ये थोड़ा सा ऑड कॉम्बिनेशन लगा कि इनकी एज अराउंड 50 के आसपास है और इस एज में सेकेंड बार विद इन हाफ एन आवर सेकेंड अटेम्प्ट कर लेना, सेक्सुअल अटेम्प्ट कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है या लगभग लगभग बहुत कम लोग ये सब कर पाते हैं। तो ये वो चीज़ को हर बार में डबल टाइम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि डबल बार ऐसा क्यों? तो बोले कि नहीं सर वो उसकी भी तो इच्छाएं रहती ना सर, उसकी भी इच्छाएं पूरी करनी पड़े अपने को, ऐसा वैसा ये वो। तो मैंने कहा कि और मैं क्या कह रहा आप अगर सेकेंड टाइम नहीं करो तो? तो बोला कि यार सर ऐसा लगता है कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया सर, मैंने मेरी कहते ना कि मेरा कि मेरी एक ड्यूटी है, मेरा काम है सर ये, इसको मुझे पूरा करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, और वो नहीं होता तो मुझे थोड़ा टेंशन बड़ा अंदर से बड़ा अच्छा नहीं लगता सर। तो वो तो मुझे फिर करने के लिए मुझे सेकेंड टाइम करना पड़ता है और
बस यही मुझे इससे ही इसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं इसको लेकर मन में कोई चिंता होती है क्या कुछ? तो बोले कि सर अभी सर देखो ना ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा और ज़्यादा ना हो जाए ये तकलीफ। तो पेशेंट यही बोल रहा है कि भाई कि देखो देखो ना डॉक्टर साहब, अभी तो फर्स्ट टाइम में बहुत जल्दी हो जाता है और सेकेंड टाइम भी ठीक है, सो सो है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, तो मुझे दो टाइम में इतना करना पड़ रहा है और अगर और रहा आगे तो फिर सर फर्स्ट टाइम में तो मुझसे कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि तो मेरे में वो मतलब जो मेरे जो स्टेमिना है और कम हो जाएगा सर। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने पेशेंट को टेनम का एक डोज दिया और उनको 15 डेज का फॉलोअप लिया, तो उनको कुछ ज़्यादा विशेष मतलब हल्का फुल्का रिलीफ मिला उनको। बोले कि हाँ सर पहले से वो एक टेंशन तनाव जो मन में चलता था कि यार वो नहीं है, मुझे मेंटली बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, बट हाँ अभी जब मैंने किया है तो मुझे इतना ऐसे फील नहीं हुआ, और मैंने उनको एसएल पे कंटिन्यू रखा। और उसके बाद में जब उन्होंने आफ्टर 1 मंथ मुझे फॉलोअप किया तो बोले सर काफ़ी बेटर है पहले से, और मैंने उसी डोज से फिर उनको कोई रिपीटेशन नहीं दिया उनको मैंने, और उसी से वो काफ़ी बेटर हो गए और उनका वो प्रॉब्लम चला गया। तो हायर डोज देने से मुझे उनको रिपीटेशन का झंझट ख़त्म हुआ कि एक ही 10 mg के डोज देने से उनको 1 1.5 मंथ में वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया। पहले वो मेंटली बेटर हुए, जो कि हम चाहते थे जो हॉलिस्टिक क्योर होने के लिए पेशेंट के लिए जो सबसे मेन कंसर्न है, जो उसको मन में जो चिंता चलती थी, वो सेकेंड फर्स्ट फॉलोअप में वो चीज़ हमको नहीं दिखी, मतलब जो हमारा मेन रूब्रिक जो था वो फर्स्ट फॉलोअप में ही कट गया। इट मीन्स कि मेडिसिन एकदम एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, बस हमें वेट एंड वॉच करना है। तो वेट एंड वॉच किया और पेशेंट इसी सिंगल डोज पे ठीक हुए। तो सबसे पहले मैंने पेशेंट में और उनसे ये चीज़ पूछी ना जब मैंने कि भैया आपको क्या लगता है ना, तो वो बोलते कि डॉक्टर साहब जब मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ तो और सेकेंड करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तो वो मुझसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठी हुई है और ये मेरा काम है डॉक्टर साहब, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि ये हमारा काम बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सामने वाले को खुश रखें, और वो खुश नहीं हो रहा है या उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही तो हमको ये लगता है कि हम अपना अपना काम ठीक से नहीं निभा रहे, हमें कुछ कुछ काम अधूरा छोड़ दिया, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इस केस में जो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इसलिए ट्रीटमेंट कराना है कि डॉक्टर जबकि इनकी वाइफ इनसे कोई शिकायत नहीं कर रही है, फिर भी ये मन में सोच के बैठे हुए कि डॉक्टर साहब सामने वाला तो मुझसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है ना। तो इस केस के लिए सबसे पहला रूब्रिक है एंजाइटी व्हेन एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उनको चिंता होती है कि कोई उनसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है और वो नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ 7 रेमेडी है कि वो मेरे से उम्मीद तो लगाती है ना सर, वो मुझसे उम्मीद लगा के बैठी रहती है और वो उम्मीद लगा के बैठी रहती है और मैं ये जब ठीक से एक्ट नहीं कर पाता हूँ तो टेंशन होती है। तो जनरली कहता है ना कि घर के डॉक्टर साहब मुझे चिंता होती है ना, पर घर के लोग मुझसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, सब मेरी तरफ देखेंगे, उम्मीद की नज़रों से देखेंगे और मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे जस्ट लगते लगते एक और रूब्रिक है जो उसको लग रहा है कि वो उसका ड्यूटी, उसकी जॉब, वो जो उसका काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहा, और मैं मेल हूँ तो सर ये सब चीज़ तो होना चाहिए ना सर। एंजाइटी एज इफ ही हैड नॉट डन हिज ड्यूटी, उनको लगता है कि वो उनकी जवाबदारी है, भैया मेरी ड्यूटी है, ये मुझे मुझे करना चाहिए, नहीं कर पा रहा हूँ। बट रीडिंग बिटवीन द लाइन, पेशेंट की वाइफ अभी तक कोई शिकायत नहीं की है इस चीज़ को लेकर, यही आगे लेकर इस चीज़ को सोच रहे हैं, और मतलब ठीक है फर्स्ट टाइम नहीं कर, फर्स्ट टाइम के बाद भी वो सेकेंड टाइम कर रहे हैं, ऐसा वाइफ की इच्छा भी नहीं है। एक चीज़ और सामने आई कि तो मेरी ये भी चीज़ पूछी उनसे कि वाइफ बोलती सेकेंड, नहीं नहीं सर मैं आगे लेकर बोलता हूँ, वाइफ तो नहीं, उनका वो इंटरेस्ट नहीं होता है, बट देट इज सेल्फिशनेस, ये अपना मतलब पूरा करने के लिए सेकेंड टाइम एक्ट करते हैं। तो रूब्रिक है हमारे पास सेल्फिशनेस तो है ना, खुद की ही
उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, मतलब सामने वाले को सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं है। सामने वाला अगर सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो हाँ बोलता, तो बोला मेरी वाइफ ऐसा कुछ बोलती नहीं है सेकेंड टाइम के लिए, बट मैं हमेशा, और उस एज में 40 से 48 की एज में सेकेंड टाइम इज़ वेरी रेयर, बिकॉज टाइमिंग हाफ वन एंड हाफ हर के बाद में सेकेंड अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है उस एज के लिए, कम लोग कर पाते हैं। ग्रीडी क्यूपिडिटी डिजायर आर ग्रेटर देन हर नीड, डिजायर मोर देन शी नीड, मतलब ये चीज़, ये ज़्यादा खाना चाहते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं वो। आप हर मेडिसिन का अलग अलग ग्रीडी होता है, तो यहाँ पे इस मेडिसिन इस केस में इसका जो ग्रीड है ना वो उसका सेक्सुअल प्लेजर है, जो जरूरत से ज़्यादा पाना चाहता है, सेकेंड टाइम भी करना चाहता है, तो ये ग्रीडी है इसका। क्यूपिडिटी नीड डिजायर मोर देन शी नीड, वो जब नहीं कर पाता तो क्या बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, अंदर से झेप आती, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, और फर्स्ट टाइम नहीं होने के बाद में भी वो एक संतुष्टि का भाव नहीं आता, डिसकंटेंटेड विथ वन सेल्फ, डिसकंटेंटेड। ये जो डिजायर मोर देन शी नीड के रूप में दोनों मिलेंगे आपको, डिजायर मोर देन शी नीड एक्सटेंडेड वन नीड, मतलब कि जरूरत से ज़्यादा। जनरली आप कितना डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि सर आपको रोज सुबह 2 किलोमीटर घूमना है, तो ये पेशेंट 4 किलोमीटर घूमते हैं, आपको 1 लीटर पानी पीना है, ये 3 लीटर पानी पीते हैं। और इसी के साथ में एक केस इसी रूब्रिक के कंटेक्स्ट में आपको एक और मैं केस सुनाता हूँ, पहले मैं इस केस के साथ रूब्रिक क्लियर कर दूँ आपको। तो इसमें सेल्फिशनेस है, क्योंकि ये खुद को आगे रख रहे हैं, पत्नी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की सेल्फ ग्रेटिफिकेशन सेल्फ प्लेजर पाने के लिए कर रहे हैं, वाइफ इनको कुछ बोल नहीं रही है, तो सेल्फिशनेस है ना, डिजायर मोर देन शी नीड, डिसकंटेंटेड डिसकंटेंटेड विथ वन सेल्फ, खुद से ये संतुष्ट नहीं है अपने परफॉर्मेंस से, एलिमेंट फॉर एम्बैरेसमेंट है ना, एंजाइटी व्हेन एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, एंजाइटी एज इफ ही हैड नॉट डन हिज ड्यूटी, उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है ना। उसके बाद में ये चीज़ उनको लगती है कि भैया अभी फर्स्ट टाइम तो मैं कर पा रहा हूँ, सेकेंड टाइम तो ठीक है थोड़ा बहुत निकाल लेता हूँ, अगर ऐसा हो तो मेरा स्टेमिना कम हो जाएगा, तो ये फियर ऑफ पॉवर्टी है। तो फियर ऑफ पॉवर्टी और इन सब रूब्रिक को लगाकर मैंने पेशेंट को आर्सेनिक टेनम का एक डोज दिया। आर्सेनिक के पेशेंट बड़े सेल्फिश होते हैं, बहुत इनसिक्योर होते हैं, और उनके हर काम के पीछे उनका खुद का एक मतलब होता है। अगर वो उनकी पत्नी का ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि यार डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करो यार, कल मेरे सुबह मेरा सब खाना वाना सब पड़ा था घर पे। तो सेल्फिशनेस आर्सेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा होती है, एवरेज बहुत होता है। और अगर ये पेशेंट यहाँ बोला ना कि भाई कि मुझे वो संतुष्ट नहीं है ये मुझे लगता है, तो आपको ये खंगालना होगा कि कहीं ना कहीं ये सही है या नहीं है, ये वाकई में इसकी पत्नी के लिए चिंतित है या खुद के लिए। तो ये खुद के लिए सेल्फिश है, अपने मतलब के लिए ये ट्रीटमेंट लेना चाहता है। तो हमने इसको आर्सेनिक टेनम का एक डोज दिया, और उसके बाद कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, और उसके बाद इसी से ये पूरे बेटर हो गए। इससे लगते लगते एक और रूब्रिक में आपको बताता हूँ, एक केस मैंने देखा था और वो पाइल्स का था, तो मैंने वही बिजनेस टॉक और बिजनेस लेकर और फियर पावर्टी और वेल्थ को लेकर मैंने उन पेशेंट को सल्फर दिया फर्स्ट में। तो पेशेंट 5 दिन में मैंने उनको 5 दिन में फॉलोअप लिया, तो वो 5 दिन में आ गए और बेटा सा कुछ आराम नहीं पड़ा यार, दर्द वैसा वैसे ही बना हुआ है, कोई दर्द में आराम नहीं पड़ा। तो मैंने उनको मेडिसिन 10 दिन का दिया था, बट उस वक्त मैंने उनको ये मतलब दिमाग लगाना भूल गया कि भाई इन्होंने 5 दिन में 10 दिन की मेडिसिन 5 दिन में ख़त्म कर दी। तो मैंने फिर से उनको मुझे लग रहा था कि नहीं ये सल्फर ही है, तो मैंने फिर से उनको मेडिसिन बढ़ा दिया, और मैं उस चीज़ को माइंड नहीं कर पाया कि उन्होंने 10 से 12 दिन की मेडिसिन को 5 दिन में ख़त्म कर लिया। सेकेंड टाइम आके मुझे बोल रहे कि डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे, मैंने अगेन उनको 10 डेज का मेडिसिन दिया और उन्होंने वो मेडिसिन हार्डली 3 या 4 दिन में ख़त्म कर लिया। तो मैंने कहा यार सेकेंड टाइम मुझे लगा कि मैंने तो आपको 10 डेज का मेडिसिन दिया है। बोले हाँ सर, मैंने कहा कि मैंने आपको TDS में लेने के लिए बोला 3 बार, तो और तो बोले सर मैं हर 4-4 घंटे में ले रहा हूँ।
मैंने कहा कि क्यों सर, जल्दी ठीक हो जाएगा ना। मैंने क्यों सर, काम धंधे वगैरह सब। तो मैंने कहा यार, फिर मुझे वो बत्ती जली कि ये आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं और जल्दी ठीक होने के चक्कर में ये ज़्यादा ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं। तो वहीं ये डिज़ायर मोर देन शी नीड प्लस कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट, और मैंने उनको आर्सेनिक प्रिस्क्राइब किया और उसके बाद वो ठीक हुए। तो ये पेशेंट ज़रूर से ज़्यादा लेते हैं जल्दी ठीक होने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ताकि वो सब प्रॉपर चल सके, ठीक से चल सके, है ना। तो ये केस में भी जो मैंने फर्स्ट वाले केस में बताया, वहाँ पे भी डिज़ायर मोर देन शी नीड है, जहाँ पे वो हद से ज़्यादा कर रहे हैं फॉर सेल्फ प्लेजर, फॉर सेल्फिशनेस, फॉर ग्रीडी। ग्रीडी में होता ना कि आप बैठे हैं पंगत में, भोजन की थाली में, और आपने जरूरत से ज़्यादा रखवा लिया, आपकी भूख इतनी नहीं है, फिर आपने ढेर सारा रखवा लिया खाने के लिए, क्या पता अगली बार नहीं है। इस कई लोग मिलेंगे आपको जो चार आपने पांच आने के लिए बोला और वो चार का बोला तो वो छः छः आठ आठ दस दस डाल देंगे ताकि जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये इनका एक सेल्फ मोटो होता है। तो यहाँ पर मैंने पेशेंट को दोनों ही केस में आर्सेनिक दिया, और फर्स्ट केस में 10 mg का डोज दिया, और सेकेंड केस में मैंने उनको 30 के डोजेज में 3 दिन के लिए मैंने उनको BD में चलाया, उसके बाद स्टॉप किया 15 दिन, उसके बाद में मैंने एक 200 का डोज देके छोड़ दिया, जिससे वो कंप्लीट ठीक हो गए 1 महीने के अंदर बाइल से, प्रॉब्लम से। पर उनको आर्सेनिक का डोज लगते से ही रिलीफ आना शुरू हुआ, क्योंकि हमने गलती से आर्सेनिक को सल्फर पकड़ाई। अगर फर्स्ट डोज ही सल्फर आर्सेनिक दिया होता तो वो, और आर्सेनिक का मेन जो मोटो होता है, मेन जो उसका फॉलोअप होता है, वो बहुत शिकायत होते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं आपको। तो कई बार क्रॉनिक केसेस में अगर आपने आर्सेनिक दिया है तो आप बचिएगा उनको रिपीट करने से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग होते हैं, वो डिसकंटेंट होते हैं, वो संतुष्ट ही नहीं होते हैं आपके ट्रीटमेंट से, वो बार बार आकर आपको क्योंकि वो और बार बार आके आपको बोलेंगे ना सर इतना आराम नहीं है यार, मतलब अनग्रेटफुल एक रूब्रिक है ना वो। तो ये लोग अनग्रेटफुल होते हैं ना, तो अनग्रेटफुल होते हैं मतलब कि एहसान नहीं मानते, कंप्लेन करते हैं बार बार, बहुत कंप्लेनिंग में है ये लोग। तो थोड़ा सा इनमें रिपीटेशन को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। सो ये दो केस थे आर्सेनिक के। केस अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।